सलमान खान को चतुर कलाकार क्यों कहा जा रहा है? सलमान की राधे फिल्म कब रिलीज हो रही है? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीवुड रात के फिल्मी गलियारे में। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने ईद पर अपनी फिल्म को रिलीज करने की एक ऐसी प्रथा शुरू की है जिसका पालन वे अभी भी करते दिख जाते हैं। अगर शाहरुख दिवाली, आमिर क्रिसमस, तो सलमान भी ईद पर ही अपनी फिल्म रिलीज करते हैं। एक्टर हर साल अपने फैंस को ईदी जरूर देते हैं। इस साल भी सलमान फिल्म राधे के जरिए ईदी देने को तैयार थे, लेकिन कोरोना वायरस ने सारा मजा किरकिरा कर दिया। अब खबर आ रही है कि सलमान खान की राधे द मोस्ट वांटेड को अगले साल ईद के मौके पर रिलीज किया जाएगा। फिल्म को 12 मई को रिलीज करने की तैयारी है। राधे की पूरी टीम ने इस सिलसिले में हाल ही में एक मीटिंग की थी। मीटिंग में प्रभु देवा, सोहेल खान संग सलमान खान भी मौजूद। उस समय इस बात पर चर्चा चल रही थी कि इस मेगा बजट फिल्म को कब रिलीज किया जाए। बताया गया है कि पहले फिल्म को अगले साल गणतंत्र दिवस पर रिलीज करने का मन था, लेकिन लोगों का थिएटर की तरफ रुख ना करना मेकर्स को डरा रहा था, इसलिए फिर ईद पर मोहर लग गई। अभी तक राधे की रिलीज डेट को लेकर औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। वैसे प्रभु देवा की इस फिल्म की शूटिंग का एक हिस्सा अभी कुछ दिन पहले ही खत्म हुआ है। खुद सलमान ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी। सेट पर उस समय क्योंकि सभी ने लॉकडाउन के बाद वापसी की थी, ऐसे में भावुक होना लाजमी था। सलमान ने भी कहा था कि 7 महीने बाद फिर शूटिंग करना अच्छा अनुभव। राधे की बात करें तो सलमान के अलावा दिशा पाटनी, रणदीप हुड्डा, जैकी श्रॉफ भी अहम रोल निभाते दिखने वाले हैं। फिल्म को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है। उम्मीद लगाई जा रही है कि सलमान खान की ये मेगा बजट फिल्म कई रिकॉर्ड तोड़ सकती है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि सलमान खान की राधे बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ का बिजनेस कर सकते। अगर आपको बॉलीवुड से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते।